जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है रतन टाटा सर का घर। ये देखिए ये पीछे वाला वाइट कलर। उसने कभी किसी को रोका नहीं, उसके पास मजहब नाम की चीज नहीं थी। हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, क्रिश्चियन आओ, कोई भी आओ, हमको हेल्प मिला है सब लोग। ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा कहीं साले को हेल्प नहीं मिला है। सही बात, उसमें मैं भी हूँ। अच्छा, मुझे भी 2.5 लाख मिला। सबको, आपको भी हेल्प? अरे सबको हेल्प किया है। वो उसके पास इंसानियत था, बिल्कुल मजहब नहीं था तेरे मेरे जैसा। तू बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, मैं बोलेगा मैं हिंदू है। जहाँ वो अक्सर बैठा करते थे 5 बजे के बाद, वहाँ पे आकर उनके चेयर रखी रहती थी और वो आकर यहाँ पे बैठते थे। इनकम का 50% गरीबों में दान करते थे। के लिए इक्वल, सबके लिए अच्छा किया, सबके लिए अच्छा किया, तो ऐसा गलत काम नहीं किया उसने। हाँ, सबके लिए अच्छा किया उसने। बाकी देखो लोग एकदम लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, एकदम डिसिप्लिन के साथ। यहाँ पे हमारे अमित शाह जा रहे हैं, ये देखिए ये बैठे, वो बैठे, वो देखो गाड़ी में अमित शाह कहते भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो गाइस एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो गाइस आज का जो व्लॉग है काफी थोड़ा दर्द से भरा व्लॉग है, क्योंकि आज हमारे रतन टाटा सर इस दुनिया में नहीं है। तो अभी फटाफट हम वहां जा रहे हैं, देखते हैं वहां पे कैसा क्या माहौल है, और आज उनके दुख में हम शामिल होने वाले हैं, और उनका आज हम घर भी दिखाने वाले हैं कहां पे वो बैठते थे। तो फटाफट चलते हैं यहां से। अभी मैं आ चुका हूं रेलवे स्टेशन में, यहां से ट्रेन में बैठते हैं, यहां से सीधा मुझे चर्च गेट के लिए निकलना पड़ेगा, और उनके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं, पहले यहां से निकलते हैं। अभी हम चर्च गेट से उतर चुके हैं और अभी हमने कर लिया एक टैक्सी यहाँ पे। तो अभी यहाँ से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं और अभी वहाँ का जो माहौल है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस अभी टैक्सी से मैं उतर चुका हूँ और यहाँ से करीब मुश्किल से पास में ही होगा। तो अभी हम जा रहे हैं कुलाबा के लिए, क्योंकि यार इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना आज, क्योंकि आज का दिन रोडों पे भाई इतना ज़्यादा जाम लग रहा है, इतना ज़्यादा जाम लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, नेता लोग, सब लोग रोड से निकल रहे हैं, तो इसलिए जाम बहुत लग रहा है। तो अभी हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है शॉर्टकट से। तो यहाँ से करीब मुझे लगता 700 से 800 मीटर की दूरी पर उनका घर है। भाई इतना ज़्यादा जाम था ना भाई, हमारे टैक्सी भाई खड़ा खड़ा दिमाग खराब हो गया भाई, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो इस साइड गाड़ी पार्किंग में लगी, लेकिन इधर तो पूरा जाम लगा हुआ है। तो भाई जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है रतन टाटा सर का घर। ये देखिए ये पीछे वाला वाइट कलर का, क्योंकि सामने का एंट्रेंस गेट यहाँ से। बाकी अक्सर वो पीछे बैठा करते थे, कोशिश करूंगा मैं आपको पीछे से भी दिखाने की। ये देखें और कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो चर्च है, चर्च के बाजू से यहाँ पे घर है। ये देखें यहाँ पे पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, ये देखें यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, और यहाँ पे बस स्टॉप भी है, समझ रहे हैं ये बस स्टॉप है। देन उसके सामने यहाँ पे देखो सिक्योरिटी गार्ड वाला खड़ा भी है, ये देखो, क्योंकि अभी ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी वाला खड़ा है। रतन सर को आपने देखा नहीं? देखा, हाँ, देखा है अक्सर। हाँ। तो मतलब उनका नेचर कैसा था, क्या मतलब? अच्छा था। अगर आप कभी ऐसे भी आते सिविल में तो यहाँ पे आपको मिल जाता गेट पे। अच्छा, निकलता कोई बॉडी गार्ड कुछ नहीं, अकेले? कब की बात है? हमेशा होता है। तो गाइस मतलब अभी भाई ने बोला कि यार उनका नेचर अच्छा था और हमेशा वो बाहर टहलने के लिए आया करते थे, लेकिन अभी भाई यूनिफॉर्म में है। तो कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बाहर उनका घर, और भी लोगों से हम बात करेंगे कि भाई उनका नेचर कैसा था। वैसे यार सिंपल मैन थे वो, कोई हेट स्पीच नहीं, मतलब हर बंदा उनसे प्यार करता था भाई, हर बंदा प्यार करता था। कभी कोई न्यूज़ में आपने इंटरव्यू नहीं देखा होगा, जो भी देखा हो हमेशा लोगों को मोटिवेट करते थे कि भाई ऐसे आगे बढ़ो, सक्सेस हो। तो कुछ देख लो भाई यहाँ पे अभी बैरियर वगैरह लगाए, और कल की रात में यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का आना जाना था, क्योंकि कल रात में वो इस दुनिया से जा चुके हैं भाई। मगर मैंने सोचा चलो आपको मैं उनका घर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे पुलिस वाले बैठे भी हैं। गाइस मुझे रतन सर के घर सामने ये बच्चा मिला, क्या नाम है तुम्हारा? आतिफ। अच्छा आतिफ, कभी सर को देखा है तुमने? कभी तो देखा है, आते जाते कभी देखा। अच्छा देखा है, तो क्या लगता है वो कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे थे। तुमको ये किसने बताया कि बहुत अच्छे थे, मम्मी पापा ने या किसने बताया? मैंने ऐसा सुना था, क्योंकि वो सब अपने इनकम का 50% गरीबों में दान करते थे। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल सही बात बोली। मतलब एक ऐसे बंदे थे जो अपनी इनकम का 60 से 65% ट्रस्ट को ध्यान देते थे भाई, गरीबों के लिए स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। ओके, अच्छा लगा, ओके ठीक है। तो मतलब यार ऐसे बंदे थे भाई कि 60 से 65% अपनी इनकम से भाई चैरिटी करते थे। कभी जिंदा था कभी वैल्यू नहीं किया उसका। उसने कभी किसी को रोका नहीं, उसके पास मजहब नाम की चीज नहीं थी। हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, क्रिश्चियन आओ, कोई भी आओ, हमको हेल्प मिला है 2.5 लाख सब लोग। ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा कहीं साले को हेल्प नहीं मिला है। सही बात, उसमें मैं भी हूँ। अच्छा, मुझे भी 2.5 लाख मिला। सबको, आपको भी हेल्प? अरे सबको हेल्प किया है, जिनके बच्चे पढ़ रहे थे उनको भी पैसा दे रहे थे, वो स्लिप देने के बाद बीमार है मेडिकल का भी। मतलब वो ऐसे आदमी थे, मतलब कोई हेल्प नहीं, हर सब के लिए प्यार था। अरे यार
वो उसके पास इंसानियत था, बिल्कुल मजहब नहीं था तेरे मेरे जैसा। तो बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, मैं बोलेगा मैं हिंदू है, नहीं उनके पास नहीं था ये। भाई साहब देखा अभी अंकल ने क्या कहा, मतलब यार उनके अंदर इंसानियत थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ये कोई नहीं था, मतलब इंसान थे, मतलब हर एक कम्युनिटी के लिए काम करते थे गाइस, समझे, हर एक कम्युनिटी के लिए। तो ये चीज़ इंसानियत है, और ताकि तभी वो आज सारे दिलों पे राज कर रहे हैं। तो अभी वो क्या है ना, उनकी जो बॉडी तो यहाँ पे नहीं है, वो उनको NCP कहीं एक जगह है ग्राउंड करके, वहाँ पे उनको रखा गया। तो वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ ले चलेंगे अभी आपको, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो इसी घर पर वो रहा करते थे अपनी अंतिम सांसें यहाँ पे ली, इस घर के सामने। अभी सिक्योरिटी वाले बाहर बैठे हुए हैं, तो अभी कोशिश करेंगे आपको बाहर से मैं पीछे साइड से दिखाऊं, जहाँ पे वो हमेशा अक्सर बैठ के रेस्ट किया करते थे शाम के 5 बजे से, अक्सर वो वहाँ पीछे बैठा करते थे। तो कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ठीक है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सामने का जो लुक था मैंने आपको दिखाया, सामने से उनका घर कुछ इस तरीके से। वैसे वो अक्सर पीछे रहा करते थे, आगे पोर्शन कोई और रहता था, तो अभी मैं आपको पीछे से थोड़ा घूम कर जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन कोशिश करूँगा आपको दिखाने की जहाँ पे वो अक्सर शाम को 5 बजे से वहाँ पे बैठते थे, रेस्ट करते थे, यहाँ पे बोर्ड वगैरह चलती है। तो कोशिश करता हूँ मैं आपको पीछे ले जाने की। बाकी यार बात करो तो उनका जो जन्म हुआ था 1937 में हुआ था, और 86 साल की उम्र में वो इस दुनिया से जा चुके हैं इस 86 साल की उम्र में। और भाई ये 86 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया ना, ऐसे ऐसे काम किया, और ख़ासकर चैरिटी बहुत किया, लोगों की हेल्प बहुत की, उनके अलग अलग फाउंडेशन, हॉस्पिटल, स्कूल चलते थे। भाई ऐसे आदमी थे ना कि अगर उनके पास कोई गया है, चाहे वो 2.5 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, हर चीज़ की सुविधा कराते थे भाई, हर चीज़ की सुविधा आप मान सकते हैं। और बात करो तो उनके पापा के बारे में, मम्मी पापा में अक्सर अनबन रहा करती थी, तो फिर उनके मम्मी पापा में कुछ बनी नहीं, तो उनका जो पालन पोषण है उनके दादी ने किया था, मम्मी पापा से दूर थे क्योंकि मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। तो उनका जो जन्म से पैदाइश वगैरह के बाद से सारा ख्याल उनकी दादी माँ ने रखा है, और शायद ये भी हो सकता है उनके शादी न करने का रीज़न यही था, क्योंकि उनके मम्मी पापा के बीच इतना लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, और वो सब देखने के बाद शायद उन्होंने शादी ना की हो, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की। वैसे तो यार उनके बारे में मैं जितनी बातें करूँ उतना कम है, क्योंकि वो एक ऐसे लेजेंड आदमी थे, क्योंकि वो अब तो इस दुनिया में है नहीं, ऐसे लेजेंड आदमी थे भाई। उनका कोई हेटर्स नहीं था, क्योंकि वो किसी के खिलाफ कभी कुछ बोला ही नहीं, हमें सबके लिए अच्छा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबके लिए अच्छा बोला। फाइनली गाइस चल चल के काफ़ी दूर आ चुके, क्योंकि अभी मैंने जब फ्रंट से दिखाया था तो बैक का जो हिस्सा ना मुझे काफ़ी घूम कर आना पड़ा, ये जो पार्क है ये पीछे ये बंद हो गया, तो मुझे अभी बहुत पीछे से घूम कर आना पड़ा सिर्फ आपको दिखाने की वजह से। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ जहाँ पे अक्सर वो शाम के टाइम 5 बजे से बाहर बैठा करते थे, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, अगर होते तो शाम के 5 बजने वाले और मैं आपको लाइव दिखा पाता, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जूम करके कहाँ पे वो अक्सर बैठते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रतन टाटा सर के घर का पीछे का हिस्सा है, जहाँ वो अक्सर बैठा करते थे 5 बजे के बाद, वहाँ पे आकर उनके चेयर रखी रहती थी, और वो आकर यहाँ पे बैठते थे और लुफ्त उठाया करते थे। काश वो अगर यहाँ पे होते तो अभी 5 बजने वाले हैं और वो आपको यहाँ पे बैठे हुए नजर आते। ये देख सकते हैं कुछ बैक साइड उनके घर का हिस्सा है। अंकल वैसे आप यहाँ कर क्या रहते हो? हाँ जैसे हम लोग डेली घूमने को आते, घूमने आते हैं, डेली घूम के आते, जो क्या पार्टी बीटी मिलता अच्छा, है केकड़ा पकड़ने को आते, केकड़ा वगैरह पकड़ते हैं, मच्छी बिच्छी पकड़ने को आता है इधर, वो शाम को डेली 5:30 बजे आके बैठ जाते। अच्छा कभी आपने फेस टू फेस देखा है रतन? हाँ देखा। अच्छा बुड्ढा इंसान है, ऐसा कम्बर से झुक के आता है वो, लोग पकड़ के लेके आता है, थोड़ा जॉकिंग करता है, लेडीज लोग आके उसके पास बैठता है, जॉकिंग करता है, और उसमें उसका भी उम्र कितना है वो अपने को नहीं मालूम कि अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं और, है। और कहते हैं लोग, हमने भी सुना कि यार वो बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ बहुत चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, नहीं सब कुछ जानता था, मतलब वो धर्म नहीं देखते थे, उसके पास कोई आता था तो सबकी हेल्प करते थे। नीचे से कोई आदमी जाएगा ना तो वो आदमी लोग उसको उनको भगा देने का आदमी लोग, इधर मत आओ लंबे से जाओ। अच्छा हाँ पुलिस का पारा भी रहा, वो गेट के पास रहने का पुलिस का पारा, इधर पर पुलिस का पारा, और जो क्या है शाम के टाइम पे आता है जरा बैठता है उसका टाइमिंग के ऊपर निकल जाता है। बाद सामने उसका ऑफिस है, पीछे ऑफिस अच्छा। है, बीच में उसका रूम है, बीच में रूम है। हाँ तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो है। बस मरना तो सबको है, बस क्या है आज और कल, बस ऊपर वाला जैसा भी है सबको जाना है भाई, इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए। वैसे उनके अंदर कोई घमंड नहीं है, सबके लिए इक्वल, सबके लिए अच्छा किया, वो ऐसा गलत काम नहीं किया उसने, सबके लिए अच्छा किया उसने। ओके अंकल थैंक यू। चलिए तो फाइनली आज देखा भाई, अंकल ने बताया कि भाई वो मतलब अच्छे आदमी थे, और हम सबको पता है भाई कितने हम्बल थे भाई। तो चलो अभी फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं जहाँ पे उनकी
बॉडी को रखा गया है वहाँ पे, हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद देखने को मिले मैं और आपको दिखा पाऊँ। चलिए यहाँ पे खड़े हैं, कवर कर रही है, तो अभी हम यहाँ से अंदर जाने वाले। देखो यहाँ पे कितने सारे मीडिया वाले हैं गाइस। वहाँ से हमने एंट्री कर लिया अंदर के लिए, तो अभी यहाँ से हम ना भाई लाइन के साथ सब लोग अंदर जा रहे हैं। 15 से 20 मिनट की लाइन है। हाँ तो चलते हैं, अभी देखते हैं अंदर लाइन, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की लास्ट बार, ठीक है। ये देखो लाइन जा रही है, सब लोग यहाँ से लाइन बाई लाइन अंदर के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से एक लाइन गई है जाने के लिए अंदर, और इधर से देखो सब लोग वहाँ से अंदर से आ रहे हैं, सब लोग देख देख कर एक बार। अभी हम आगे निकल गए, और पता है जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है। ये देखो जगह जगह पर टेबल लगी हुई है पानी के लिए, तो पानी आने की सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, मालूम है। ये देखो पूरी लाइन, पीछे देखो, ये देखो दो कतारों में खड़े हैं भाई। चलो अभी यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे अंदर के लिए। ये देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से रास्ता गया है, और बाकी देखो लोग एकदम लाइन बाई लाइन जा रहे हैं, एकदम डिसिप्लिन के साथ, कोई शोर शराबा नहीं, सब साथ है, क्योंकि सबको दुख है भाई। तो अभी जस्ट हम पहुँच चुके हैं यहाँ से, बस हमें ऊपर चढ़ना होगा, ठीक है भाई। लाइन से दो लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ से फटाफट ऊपर चलते हैं। देखो बाकायदा पूरा यहाँ पर टेंट वगैरह रखा, पूरा इंतजाम किया गया है, इधर भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। देखो जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। तो भाई अभी बस जस्ट वहाँ से निकला हूँ यार, इतना ज़्यादा क्राउड भाई यार, मैं पहली बार किसी मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े आदमी की मतलब वहाँ गया था भाई, एकदम अलग मंजर था, सब एकदम साइलेंट थे, कोई कुछ ऊँचा की आवाज़ भी नहीं कर रहा था यार। चलो अभी बाहर चलते हैं और अभी आपसे मैं बात करता हूँ। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे पुलिस की जो गाड़ियाँ वगैरह राउंड पे हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी पुलिस की गाड़ी जा रही है, और शायद यहाँ पे हमारे अमित शाह जा रहे हैं। ये देखिए ये बैठे, वो बैठे, वो देखो गाड़ी अमित शाह कहते भाई, उसमें अमित शाह थे आगे वाले फॉर्चुनर में। तो फाइनली गाइस अभी जस्ट रूम पे आ चुका हूँ, और भाई बहुत थक गया था क्योंकि यार सुबह का निकला था। और गाइस आज मैंने आपको दिखाया रतन सर का घर, उसके बाद मैं जब अंतिम यात्रा के लिए निकला वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा लोग थे, कतार में लोग जा रहे थे सिर्फ उनका एक बार देखने के लिए। वैसे वाकई में ये गोल्डन आदमी थे भाई, जब इस दुनिया में नहीं, इतना चैरिटी, इतना लोगों से प्यार, हमेशा यार आपने देखा उनको यार कैमरे के पीछे स्पीच देते हुए मोटिवेट करते हुए। तो बस आज उनके ज़िंदगी का अंत हुआ, उनके कोई बच्चे भी नहीं, शादी नहीं की, आई होप सब अच्छा हो। बस आप लोग दुआ करो, प्रे करो, और कर भी क्या सकते हैं हम लोग। बाकी मैंने जिससे भी बात किया सब ने यार अच्छा ही बोला, बहुत हम्बल थे, हेल्प करते थे, 60-70% अपना सैलरी का चैट ही देते थे यार। तो बस आज के इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको ला सकें। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और प्रे भी करना।